दोस्तों, शरीर को ताकतवर और फुर्तीला बनाने के लिए बहुत से लोग सुबह खाली पेट कई चीजों का सेवन करते हैं, जैसे दूध, केला और भीगे हुए चने, बादाम। इन सभी चीजें पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिससे शरीर मजबूत और ताकतवर बनता है। लोग हीमोग्लोबिन बढ़ाने और डाइजेशन को मजबूत करने के लिए चने का सेवन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपके शरीर में खून बढ़ता है, ताकत बढ़ती है और आप फिट भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको खाने के बाद इन चीजों को तुरंत नहीं खाना चाहिए, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से खा लेते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। मैं बात कर रहा चने खाने के बाद। जी हाँ, वैसे तो चना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसे ज्यादातर लोग खाते हैं। चना प्रोटीन से भरपूर होता है और ये ताकत का खजाना है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि चने खाने के बाद किन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है और अगर खाने भी है तो कितने देर के बाद खाना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चने खा रहे हैं तो उसके ऊपर से दूध तुरंत नहीं पीना है। जी हाँ, दूध या फिर दूध से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है और ना ही पीनी है। आयुर्वेद में चने और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बताया गया। चने और दूध दोनों ही हाई प्रोटीन है, दोनों ही पचने में भारी है, इसलिए अगर आप दोनों चीजों का सेवन साथ में करते हैं तो ये आपको कब्ज और स्किन से जुड़ी कई प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जब भी आप चना खाएं तो दूध पीने के बीच में कम से कम एक घंटे का गैप जरूर रखें, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। वैसे काफी लोग हैं जो चना खाने के बाद तुरंत से दूध पी लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं डाइजेस्ट कर लेता हूँ। सच बात है, आप डाइजेस्ट कर लेते होंगे, लेकिन आप थोड़ा रुक कर पियेंगे तो आपके सेहत के लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों, चने के साथ अंडे का सेवन ना करें। जी हाँ, अंडा और चना दोनों ही हाई प्रोटीन से भरपूर होते हैं और पचने में भारी है। अगर आप दोनों चीजों को एक साथ खाएंगे तो आपको डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो ये शरीर में कई तरह की बीमारी हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी चीजें नहीं खानी है जिससे कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज जैसी प्रॉब्लम हो। ये कब्ज अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये शरीर की सारी बीमारियों की जड़ है। कॉन्स्टिपेशन होने पर खाना पेट पर सड़ता रहता है। अब ये सड़ा हुआ खाना पेट में गैस पैदा करेगा, जिससे आपको वात के रोग हो सकते हैं और शरीर में वात यानी कि हवा बढ़कर शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में कई तरह के दर्द होने लगते हैं, जैसे घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द हो तो समझिए कि आपको वात की प्रॉब्लम है। दूसरा वह कि आपका ब्लड जो है गंदा हो सकता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा वो वेस्ट आपके ब्लड में मिलता रहता है। ब्लड में मिलने से आपके चेहरे पर पिंपल्स पैदा कर सकता है, स्किन पर एक्जिमा और सोरासिस पैदा कर सकता है, और साथ ही साथ ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा सकता है, जिससे आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। और हमारे खून को साफ करने के लिए हमारी बॉडी में किडनियाँ हैं, और किडनियों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो किडनी में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे और ये टॉक्सिन्स सॉलिड रूप ले लेंगे और किडनी स्टोन्स बन जाएंगे, गाल ब्लैडर के स्टोन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह कॉन्स्टिपेशन से तकरीबन सारी बीमारियां जुड़ी हुई है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचकर रहना है और आपको कभी भी अंडी और चने का सेवन साथ में नहीं करना है। अगर आप चना और अंडा दोनों खाना ही चाहते हो तो कम से कम एक घंटे का गैप दें। चना पचने में भारी होता है तो ये कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिए इस बात का। चना खाने के बाद दोस्तों अचार का सेवन नहीं करना है। जी हाँ, सुबह खाली पेट चने खाने के बाद कभी भी अचार नहीं खाने, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि अचार को गलाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है और चने के बाद खाना मतलब पेट में जहर बनने के बराबर होगा। भीगा हुआ चना और अचार का रिएक्शन एक साथ हो जाएगा और पेट में जहर बनने के साथ साथ इससे हार्ट की बीमारी भी हो सकती है और कई बार तो हार्ट अटैक भी आ सकता है और सीने में लगातार जलन और दर्द बना रहता है। तो सुबह खाली पेट कभी भी भीगे चने के साथ अचार कभी मत खाना, खाना ही हो तो कम से कम 2 घंटे का गैप देना। चने के साथ दोस्तों कहा जाता है करेले का भी सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह के समय भीगे हुए चने खाने के बाद कभी भी आपको करेले का सेवन नहीं करना, क्योंकि भीगे हुए चने में जो ऑक्साइड पाया जाता है बिल्कुल वही करेले में भी पाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि भीगे हुए चने में पाया जाने वाला ऑक्साइड लेवल बहुत कम होता है और करेले में पाया जाने वाला ऑक्साइड लेवल उससे ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यह हमारे शरीर में जाकर मिक्स होकर जहर बना सकता है और इस जहर का रिएक्शन धीरे धीरे होता है और गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। तो अगर आप चना सुबह खाते हो और घर पे करेले की सब्जी बनी हो तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे का गैप जरूर देना, ताकि इन बीच में चना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। दोस्तों, ये तो हुआ आपको चने के साथ क्या नहीं खाना, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। चलिए फटाफट आपको उन चीजों के बारे में बताता हूँ। दूध के साथ किसी भी तरह का
खट्टे फल का सेवन नहीं करें। लोग क्या करते हैं, फल खा लेते हैं और ऊपर से दूध पीते हैं। तो अगर आप ऐसा फल खा रहे हैं जो खट्टे हैं, जैसे कि संतरा या मौसम्बी, तो उसके ऊपर कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता, ये रिएक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब दूध को गर्म करते हैं और उसमें नींबू निचोड़ते हैं, आप नींबू तो छोड़िए, आप ऑरेंज का जूस डाल दीजिए, कोई भी खट्टे फल का जूस डाल दीजिए, तो दूध जो है तुरंत फट जाएगा। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर भी जाकर ऐसा रिएक्शन करता है, इससे पेट की गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो ऐसा गलती कभी भी मत करना। दूध पीने के कम 2 से 3 घंटे के बाद किसी भी खट्टे फल का सेवन करना चाहिए। और वैसे भी दूध तो आपको रात को सोने से पहले पीना है, अगर सुबह या दिन में कभी भी पी रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। प्याज के साथ दूध का सेवन नहीं करना है। दूध और प्याज दोनों में आपस में नहीं बनती। दोनों का अगर एक साथ सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको स्किन से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स आ जाएगी, जैसे कि सफेद दाग की प्रॉब्लम, और ये बहुत ही बेकार चीज है। जब भी आप खाने में प्याज खाते हैं तो खाना खाने के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद ही दूध पीजिए। अगर आप साथ में दूध पी लेंगे तो प्याज और दूध का कॉम्बिनेशन आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ध्यान रखें कि प्याज के साथ दूध का सेवन कभी भी नहीं करना है। वैसे अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जंक फूड खाते हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनको लगता है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तला भुना जंक फूड जो होता है ये एसिडिक होता है और कोल्ड ड्रिंक भी एसिड होता है। तापमान के हिसाब से भी दोनों अलग हैं। तो जब भी आप जंक फूड खाएं, पिज्जा बर्गर वगैरह खाते भी हों, तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा खाना ही नहीं चाहिए। अगर चलिए खाते भी हैं तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, उसके साथ पीना ही है तो जूस पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए, ये आपको फायदा करेगा। खाना खाने के बाद चाय पीने की बहुत लोगों की आदत होती है, मैं दूध वाली चाय की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और वो सोचते हैं कि इसके ऊपर चाय पीने से हाजमा सही हो जाएगा, लेकिन कभी भी खाना खाने के बाद दूध वाली चाय नहीं पीनी है। अगर चाय पीना ही है तो ब्लैक टी पी सकते हो, लेमन टी पी सकते हो, या फिर आप ग्रीन टी पी सकते हो, लेकिन दूध वाली चाय पीने से ये हाजमा आपका खराब करेगा और लंबे समय तक ऐसा करते रहने से पेट के रोग आपको होने ही होने हैं। तो इसलिए अगर आपकी आदत है खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने की, तो आज से ही वो आदत छोड़ दीजिए। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सालों से पी रहा हूँ, इतने सालों से खा रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो भाई ऐसा क्यों आप बता रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दिक्कतें आती हैं, एक बैक नहीं आती, तुरंत नहीं आती, ये धीरे 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 जब आपकी उम्र ढलती जाएगी तो इसका रिएक्शन आपके सामने आता रहेगा। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, बगैर दवाई के जीवन जीना चाहते हो, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो ध्यान रखिए। साथ ही आपने तो सुना ही होगा कि दही और दूध के साथ मछली नहीं खाना है। बहुत से लोग दही के साथ मछली खाते हैं। दोस्तों, दही की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और मछली की तासीर गर्म होती है, और दोनों को एक साथ खाने से आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन एलर्जी भी हो सकती है। तो मछली खाते हो तो अच्छी बात है, मछली हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो मछली खाइए, लेकिन मछली के साथ दही मत खाइए। दही के साथ मछली खाओगे तो मछली का फायदा भी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान करेगा। आखिरी चीज है दोस्तों, शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, या फिर गर्म चीज में शहद डाल के नहीं खाना चाहिए, या फिर चढ़ते हुए बुखार में शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में पित्त बढ़ता है। इसके अलावा शहद और मक्खन एक साथ नहीं खाना चाहिए, घी और शहद भी साथ में कभी भी नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि पानी में मिलाकर भी शहद और घी का सेवन नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कुछ छोटी छोटी चीजें जिसे आप ध्यान रखिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो बहुत से लोग क्या करेंगे, ठंडे ठंडे चिल्ड पानी पियेंगे, बर्फ वाली पानी पियेंगे, तो आप अगर पीते हो तो बंद कीजिए, बर्फ वाला पानी नुकसान करता है, चिल्ड पानी नहीं पीना, पीना ही है तो आप मटके का पानी पीजिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे उसे अपनाएंगे तो आप लंबे समय तक जमा रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अपने शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए इस गर्मी के मौसम में सत्तू ड्रिंक का जरूर सेवन करना। सत्तू बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों, ये ताकत का खजाना है, ये चने से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इस गर्मी के मौसम में इसका सेवन जरूर करना। आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, वजन बढ़ाना चाहते हो या फिर वजन कम करना चाहते हो, तो आप इस सत्तू ड्रिंक का सेवन इस गर्मी के मौसम में जरूर करना। सत्तू ड्रिंक कैसे बनाते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स में बताना, कमेंट्स चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, आपके क्या विचार हैं इस बारे में आप जरूर लिखना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।